आमद को पहुंचाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े थे शाम के बाग में या करीब से गुजर हुआ हाकिम शाम का, उसने खड़े हुए हसन को देखा, उसने हसन को देखा कहा अली का बेटा खड़ा है, हाँ हसन खड़ा। उसने कहा मैंने सुना तेरा बाप सलूनी के दावे करता है, तू भी सलूनी के दावे करता है। इमाम हसन ने मुस्कुराकर तुझे नहीं पता हम चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते, दावे नहीं बदलते, दावा पहला करे वो आखिरी तक होता है, पहला करे वो आखिरी तक रहेगा, दावा मेरा भी सलूनी का है। उसने कहा तेरा दावा भी सलूनी का, फिर तू भी जानता है जैसे तेरा बाबा नहीं जानता था, थोड़ा बेशक मैं भी जानता हूँ। उसने कहा फिर मैं इम्तिहानन पूछ सकता हूँ, मुझे बता इस खजूर में कितनी खजूरें लगी। इमाम हसन ने देखे बगैर का 3313, उसमें खजूरें उतारो गिनो, खजूरें गिनी गई 3313 थी। उसने कहा अच्छा तो मेरे में गैब जानते थे, तूने गैब से जान के बताया 3313। इमाम ने कहा ना मैंने गैब से देखा, ना मैंने गैब से जाना, ना मैंने देखा, मैंने कहा 3313 ये हो गई। शर्म नहीं आती, तू औरत हो गया, मर्दों में आ गई, क्योंकि उस वक्त में मेरे मौला फरमा रहे थे हम चाहे मशरक को मगरब कर दे, मगरब को मशरक कर दे। ये उठा था, इसने उठ के कहा था ए हसन इब्ने अली वो कहता क्यों है जो कर नहीं सकता। हसन के चेहरे पे जलाल था, शर्म नहीं आती, औरत हो गए तू मर्दों में खड़ी है। उठा था बैठ गई, आया था चली गई। किताबों में तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि बाकायदा शादी हुई थी, चार यहाँ बच्चों को जन्म भी दिया था। एक दिन दरिया के किनारे में पानी भरने के लिए आई, अभी तक तो आई कहूंगा ना, पानी भरने के लिए आई, पानी भरते हुए जहर में आया, काश हसन मैं ना बोलता, ना कहता, ना ये वक्त देखता, हसरत की यह पांव फिसला, पानी में गिरी बाहर निकला, भीगा हुआ बदन और दौड़ा दरवाजा नबुव्वत की तरफ, जाके हसन का शुक्रिया अदा करूं कि तूने इतने सालों के बाद रहम कर दिया, तूने इतने सालों के बाद तरस कर दिया। जब ये घरे आले मोहम्मद की तरफ जा रहा था तो ये दरवाजा आले मोहम्मद में दरबारे आले मोहम्मद के सामने से गुजरा तो देखा कि मिंबर पे हसन बैठे हुए हैं, खुतबा जारी है, लोग सामने बैठे और हसन कह रहे हम चाहे मशरक को मगरब कर दे, हम चाहे इमाम हसन के कदमों पे आगे कहने लगा कोई माने ना माने मैं मानता हूं, तू कर सकता।